हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, ये मैंने आज छोटे काले चने की सब्ज़ी बनाई है, जो मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाई है। यहाँ देखिए, मैंने 3 आलू और चने एक साथ उबाल लिए हैं नमक डाल के। 2-3 सीटी लगा दिया था। अब मैं इसका मसाला बनाऊंगी। मैंने सरसों के तेल डाला है, इसमें जीरा डाल दिया, थोड़ी सी हींग और तेज पत्ता, हरी मिर्च डाल देंगे। फिर थोड़ा उसके बाद प्याज डाल देंगे। मैंने 3 प्याज लिया था। प्याज जब तक होगा तब तक हम इधर जो आलू मैंने उबाला था उसको प्लेट में लेके उसको थोड़ा मैश कर देंगे। उसको मैं हाथ से ही मसल दूंगी। फिर उसको उसी कुकर में डाल दूंगी। अब यहाँ मेरा प्याज हो चुका है। इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 छोटा चम्मच था और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच था गरम मसाला। और ये मैंने काले चने के मसाले आते हैं वो मैंने डाला है इसमें। डेगी मिर्च, इस मसालों में मैं थोड़ा पानी डाल दूंगी कि मसाला जले नहीं जब हम भूने तो। थोड़ा सा और पानी डालकर उसमें डाल देंगे और इसको 2 मिनट भूनेंगे। इसको मैंने 1 से 2 मिनट भून लिया है। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। और नमक डाल दूंगी। इसको हम तेल अलग होने तक भूनेंगे, मसाले जब तेल छोड़ने लगेगा तब तक। अब ये मेरा मसाला लगभग हो चुका है, लगभग क्या हो गया है। अब इसको मैं कुकर में डाल दूंगी। और
कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी, चने में पहले से पानी था थोड़ा तो हम कम ही डालेंगे पानी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनेगा सब्जी। अब इसको हम दो सीटी और लगा देंगे। चना तो पका है लेकिन मसाले के साथ फिर पकेगा तो और अच्छा लगेगा। मैं दो सीटी के लिए बंद कर दूंगी, उसके बाद देखिए मेरी सब्जी रेडी हो गई है जो कि बहुत टेस्टी।